देखिए अभिभावकगण, अभी जो है ये ज्ञान भारती सेंट्रल स्कूल जो कि जगुआर में है, अभी उसका वर्क जो है प्रोग्रेस में है। ये दोनों जो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ऑफिस का काम हो रहा है। ये दोनों ऑफिस है, एक इसमें से प्रिंसिपल ऑफिस बनेगा और एक नॉर्मल ऑफिस बनेगा जिसमें कि वर्क होगा कागज़ पत्र का कोई भी। और ये हो गया आपको मतलब से पूरा कैंपस जो है ग्राउंड बन जाएगा। और इसके बाद ये सब देखिए, ये सब जो है ये इधर का है, इधर का नज़ारा जो देख रहे हैं, ये डबल रूम का जो है लगभग मतलब 30 फीट के आसपास का है। इसमें ये हॉस्टल बन जाएगा और उसके बाद ये सब क्लासरूम है, ये भी क्लासरूम है जो देख रहे हैं। इधर ये भी क्लासरूम ही बनेगा, ये भी क्लासरूम अभी तैयार हो रहा है। 5 तारीख को ओपनिंग का डेट रखा गया है उसे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी मतलब से अभी 3-4 मिस्त्री काम कर रहे हैं यहाँ पे और लेबर सब भी है, लगभग 8-9 लेबर है, सभी वर्क कर रहे हैं। फास्ट मतलब से करने का कोशिश किया जा रहा है। ये स्कूल जो है ना चालू हो गया रहता, लेकिन चालू नहीं हुआ, इसमें बीच में कोई प्रावधान दिक्कत आ गया था, उस दिक्कत के कारण यह स्कूल जो है ना चालू नहीं हो पाया अभी तक। नहीं कभी तक ये चालू हो जाना चाहिए, रनिंग पीरियड में रहता, 5 फरवरी से ही वैसे डेट था, दिक्कत के कारण ये नहीं चालू हो पाया। ये देखिए, ये सब क्लासरूम सब है, अभी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। इसमें नीचे सिर्फ मतलब से बचा हुआ है मिट्टी का काम करने के लिए। ये सब भी क्लासरूम ही है, ये सब भी मतलब से फिनिश हो गया। ऊपर में स्टस जो है ना चढ़ चुका है। और ये इधर का ये जो है रूम, ये बड़ा रूम है, लगभग 18-19 फीट का रूम है। इसमें देखिए प्लास्टर का भी काम हो चुका है, इसमें सिर्फ जमीन बनने के लिए बाकी है और ऊपर में कुछ जो है सो गैप को भरने के लिए बचा हुआ है। वैसे यह रूम जो है ना अभी तैयार हो चुका है। इसका स्ट्रेंथ मतलब से अच्छा स्ट्रेंथ होगा, लगभग 30-35-40 बच्चे तक इसमें आ सकते हैं। इसको जो है मेनली डिजिटल रूम के तौर पर यूज किया जाएगा, इसमें डिजिटली जो भी काम होगा, जैसे टीवी लगा हुआ रहेगा, एलईडी स्क्रीन रहेगा, तो उसके बच्चे देखेंगे विजुअलाइज करके, कोई भी चीज़ जैसे देखना है तो वो सब देख के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया, और भी क्लासरूम सब है जो कि इधर लगभग तैयार हो चुकी है। इधर आइए देखते हैं बात। यहाँ भी एक क्लासरूम है, जो भी बड़ा साइज का क्लासरूम है, लगभग 15-16 फीट का क्लासरूम है। इसमें भी थोड़ा सा मिट्टी भी पड़ेगा, क्योंकि इधर जाने के बाद इसका भी काम हो गया लगभग, और ऊपर में थोड़ा बहुत प्लास्टर का काम बाकी है, उसके बाद कलर पेंट सब होगा। और ये भी देखिए, इसका भी नीचे में ईंट उठ पड़ चुका है, एस्बेस्टस चढ़ रहा था लेकिन एस्बेस्टस नहीं चढ़ पाया, कल मिस्त्री को कुछ काम आ गया है। और ये भी लगभग जो है कंप्लीट होने ही वाला है, कंप्लीट हो चुका है, रेडी, कुछ काम अभी बाकी है। तो ये देखिए, ये डायरेक्टर रूम है, इसमें भी मतलब से नीचे में ईटा का सोलिंग हो चुका है, जमीन बन जाएगा, प्लास्टर होने के लिए बाकी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा, ये सरस्वती महारानी का मतलब से पूजा का घर है। यहाँ पे बच्चे जो भी आएंगे पूजा उजा करेंगे, उसके बाद जैसे ही गेट से एंट्री लेंगे पूजा किए भगवती का, फिर आगे मतलब से प्रार्थना होगा, फिर अपना जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। यह 3 फीट का गेट है, जो कि कभी भी मतलब काम होगा निकलना, बड़ा गेट बड़ा फीट का उधर है तो वो हमेशा खोलने लगाने में जो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये किया गया बाईपास के तौर पे यूज किया जाएगा। ये देखिए, अभी लेबर सब है जो कि गेट पर चोट दे, और ये प्लास्टर का काम होगा, ये लगभग 3 फीट होने वाला है। अभी बिल्कुल जी है जो कि काम कर रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं कि क्या कैसे काम कर रहे हैं। अरे बिल्कुल जी, कैसे कैसे काम चल रहा है, कब तक काम ये हो जाना चाहिए लगभग? लगभग तो होना चाहिए, जल्दी हो जाएगा। आप लोग कैसे में अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा से मेहनत से काम कर रहे हैं, ये सब देखिए लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं। और ये और भी लेबर सब है, एक है आगे पेंटर है, अभी फिलहाल पेंटिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये लेबर के ही ग्रुप में काम कर रहे हैं। क्या राजेश जी, आपका दिन ठीक लग रहा है कि नहीं? क्या यहाँ से आपका काम हो रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? बहुत संतुष्ट है, ऐसा काम अच्छा काम चल रहा है ना? बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें जो मान के चलिए बच्चा आएंगे पढ़ने के लिए, वो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होगी कि नहीं? बहुत बढ़िया पढ़ाई होगी, आप अपने बच्चे को दे रहे हैं ना? हाँ जरूर देंगे, चालू होगा जरूर देंगे। ये देखिए, ये भी मतलब से अपने बच्चे को देने के लिए तैयार है। और देखिए अब आपको फिर से जो यह काम कुछ आगे हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर से दिखाएंगे।